नमस्कार, मैं पुनः एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और हमारे भूगोल की कक्षाओं की सीरीज में हम भारत के भौतिक विभाग देख रहे हैं। हमने अभी तक की अपनी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के साथ साथ हमने तटवर्ती मैदानी प्रदेश का अध्ययन हम आज करेंगे। हम देख रहे हैं विशाल मैदानी प्रदेश, हमारा जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है उसके संदर्भ में हम जानकारियां देख रहे हैं। और मैं यहां पे एक बात और बताता चलूँ आपको कि हमने इसको चार भागों में बांट के पढ़ा है अभी तक। पहला जो है हमने पंजाब का मैदान पढ़ा, जिसमें हमने पंच दोआब देखे। उसके बाद हमने राजस्थान का मैदान देखा। फिर हमने मुख्य जो मैदान का प्रारूप है, जो उसका मेन कंपोनेंट है, गंगा का मैदान, उसको देखा। और आज हम चौथा जो कंपोनेंट बचा हुआ है हमारे मैदानी प्रदेश का, उसको हम देखेंगे, जो कि है ब्रह्मपुत्र का मैदान। मैं यहां पर पूर्वांचल भारत का एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे हमको एक ठीक आइडिया लग सके। ये हमारा नेपाल वाला हिस्सा है, नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर। ये हमारा पूर्वांचल वाला हिस्सा है और ये हमारा बांग्लादेश वाला हिस्सा है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और वो इस तरीके से बहुत बड़े तिब्बत के एरिया में बह करके ब्रह्मपुत्र नदी, इसको तिब्बत में सांगपो नाम से भी जानते हैं, ये रिवर हमारे यहाँ असम में प्रवेश, अरुणाचल प्रदेश के निकट यहाँ से प्रवेश करती है और अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में ये अवसाद लेकर के आती है। क्योंकि बहुत बड़े एरिया से लेकर के आ रही, पहाड़ी रीजन में बह रही है, तो अवसाद की मात्रा और जल की मात्रा दोनों इसमें खूब होती है। और अत्यधिक अवसाद की मात्रा होने के कारण इसने दोनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे हिमालय की रेंजेस हैं, यहाँ पर हमारा हिमालय विस्तृत है, और यहाँ पर भी ये पूरा की पूरा पहाड़ी रीजन है। यहाँ पर हमारे मेघालय का पठार है, दाफला, मिरी, अबोर, मिशनी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नागा, मिजो हिल्स वगैरह, मेघालय पठार, ये इन दोनों के मध्य एक संकरी वैली की में बहती है, जिसे हम रैम वैली भी कहते हैं, ये भी हमने देखा है। ये ब्रह्मपुत्र जो है रैम वैली से बहती, तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसका मुख्य विस्तार कहाँ है, असम स्टेट में। असम में ये बहती, देखिए इस मैदान की चौड़ाई मैक्सिमम 50 किलोमीटर के आसपास, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपने साथ लाए गए अवसादों से इसने कहीं कहीं पर कई छोटे बड़े नदी द्वीपों का निर्माण किया है। नदी द्वीप से मतलब नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से द्वीप का एक निर्माण हो जाता है नदी के बहाव क्षेत्र में। तो एक द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र ने अपने मार्ग में बनाया है, माजुली। ये जो माजुली आइलैंड है, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का उदाहरण है। नदी द्वीप रिवर आइलैंड का उदाहरण है। हालांकि वर्तमान में इसका डिग्रेडेशन काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके संबंध में ये बात महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के संबंध में यह है कि दोनों घाटियों के मध्य ब्रह्मपुत्र के और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मैदान है। यहाँ तक ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो विशाल मैदानी प्रदेश है, इसका अध्ययन यहाँ पर पूरा होता है। ब्रह्मपुत्र से जुड़ी अगर कुछ बातें ध्यान रखनी हो तो मैदान की चौड़ाई बहुत कम है, रैंप वैली से रहती है, और जो माजुली आइलैंड है ये पूरी दुनिया में किसी भी नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप का उदाहरण है। अब हम यहां पर कुछ इसके इंपोर्टेंस देख लेंगे कि क्या इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेट प्लेन्स। तो सबसे पहली इंपोर्टेंस तो यह है कि पूरी दुनिया में मोस्ट फर्टाइल, सर्वाधिक उपजाऊ नदीकृत, अगर बाढ़ का मैदान कोई सा है या नदीकृत निर्मित मैदान जो है
वो यही है पूरी दुनिया में, जो कि सिंधु गंगा बदरज के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश भाग जो है वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर बसावट की दृष्टि से चूंकि पानी की पर्याप्त मात्रा है, फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या का जमाव, क्योंकि ये मानव को रहने के लिए चाहे पानी हो चाहे भोजन हो इनकी महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज़ें इस मैदानी प्रदेश में सुलभता के साथ उपलब्ध हैं। इसके कारण क्या है, यहाँ पर भारत की लगभग 45% जनसंख्या, पूरे भारत की लगभग 45% जनसंख्या से ज्यादा इसी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। तीसरा यह है, हमारे भारत की अधिकांश जनसंख्या, हमारे भारत की अधिकांश जनसंख्या की जो भोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो करता ही करता है, साथ के साथ हमको इतना अनाज उगाने की सामर्थ्य दे देता है कि हम इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके। तो हमारे यहाँ जितना खाद्यान्न पैदा होता है, खाद्यान्न से मतलब है हमारी जो खाने योग्य फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, उसके प्रोडक्शन में इस मैदानी प्रदेश का एकाधिकार समान के चलो। हमारे दक्षिण भारत में और मध्यवर्ती भारत में भी इसकी पैदावार होती अवश्य है, लेकिन जो मेन प्रोडक्शन है वो हमारे इसी मैदानी प्रदेश से होता है। इसके साथ क्या है, ये मैदानी रीजन जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ईजी है। इसमें लाइन रोड रोडवेज का बहुत अच्छा विकास हुआ है, रेलवेज का बहुत अच्छा विकास हुआ है। इसके साथ ही इसमें क्या है कि अतिरिक्त हर्डल्स नहीं आते, जैसे रेलवे लाइन बिछानी हो किसी पहाड़ी रीजन में तो सुरंगें खोदना, पहाड़ों को काटना, अगर किसी ऐसी जगह पर रोड बनाना हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये पूरा जो हर्डल है इस पूरे मैदानी प्रदेश में नहीं आता। सबसे अच्छी बात यह है, पांचवा जो इसका मेन इंपोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ की जो मिट्टी है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, स्पेशली जो ईंटे बनाने के लिए, तो ईंटों के लिए यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ। तो ये इसके कुछ मेन इंपोर्टेंट फैक्टर हैं जिनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, बृहद प्रश्न अगर हमारे सामने आए परीक्षा में तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंपोर्टेंस है, इसके इंपोर्टेंस और भी कई इंपैक्ट में देखे जा सकते हैं, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं हमने आपसे डिस्कस करी। अब हम हमारा नेक्स्ट जो प्रदेश है, हमारा नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश है हम उसको लेंगे, तटीय मैदान पर द्वीप समूह। पहले हम तटीय मैदान पढ़ेंगे फिर उसके बाद द्वीप समूह पढ़ेंगे। तटीय मैदान को पढ़ने से पहले हम इसकी एक आउटलाइन बना लेते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास हम करते हैं। हम देख चुके हैं कि हमारी मेन लैंड की जो कोस्टल लाइन है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई वो 100 किलोमीटर के आसपास है, और हमारी टोटल जो कोस्टल लाइन है 7516.5 किलोमीटर है आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को मिलाकर। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, और ये तट हमारा गुजरात के यहां से लेकर के और यहां पश्चिम बंगाल की तरफ यहां तक फैला हुआ है, यानी कि हमारी कोस्टल लाइन क्या है बहुत बड़ी है। तो हम तटीय मैदानों का अध्ययन दो रूप में करते हैं, एक तो हमारा पश्चिमी तट हो गया और एक हमारा पूर्वी तट हो गया। पहले हम पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे उसके बाद हम पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारा आज का जो तटीय मैदानी प्रदेश है पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, कि बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसके उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ये देख चुके हैं कि यहाँ जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से लेकर के और कुमारी अंतरिक्ष तक, कैप कॉमोरिन तक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है हमारी, जिसको हमने पश्चिमी घाट पर्वत भी कहा है, सह्याद्री भी कहा। तो सह्याद्री पर्वत की पूरी रेंजेस है जो पूर्वी भारत या रेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को इस तटीय मैदान से अलग कर देती है, और यहाँ से जो समुद्र की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, समुद्र की जो डिस्टेंस है यहां से बहुत ज्यादा नहीं। इसके कारण क्या है,
कि ये मैदानी प्रदेशों का जो विस्तार है, हम किनकी बात करें, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेशों का जो विस्तार है बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं है, एक संकरी पट्टी के रूप में हमारे पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेशों को हम पढ़ते हैं। इस पूरे मैदानी प्रदेश की जो चौड़ाई है, औसत जो चौड़ाई इसकी आएगी एवरेज, वो 55 से 60 किलोमीटर के आसपास आएगी, 50 से 55 किलोमीटर के आसपास। एक मिनट, हाँ कूलर पंखे की आवाज की वजह से इसको बंद करना पड़ा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो पश्चिमी घाट जो है हमारा कंटिन्यूस है, इसकी वजह से क्या है, इस पूरे मैदान की चौड़ाई जो है वो बाधित हो गई है, किसके चलते वो हम आगे समझेंगे। और ये जो है औसत 50 से 55 किलोमीटर, एवरेज हम 50 किलोमीटर इसको चौड़ा कह देते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा चौड़ा मैदान नहीं है। इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई हमको देखने को मिलती है, ये हमको ताप्ती नदी के मुहाने के आसपास देखने को मिलती है। ताप्ती नदी के मुहाने के आसपास इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का जो मुहाना है उसके आसपास ये मैदान 80 किलोमीटर चौड़े मिलते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ इससे भी कम, धीरे धीरे 50 किलोमीटर और इससे भी कम इसकी चौड़ाई रह जाती है। अब इसका कारण क्यों है कि ये जो मैदान है बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, इनमें जो मिट्टी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत पतली लेयर मिट्टी की है, उसके पीछे कारण भी कुछ है। अब ये तो हमने इसकी कुछ बेसिक विशेषताएं देखी है, हम इसको चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारा गुजरात का मैदान। तो गुजरात का तटवर्ती जितना भी क्षेत्र है ये हम गुजरात के मैदान के अंतर्गत पढ़ते हैं। गुजरात के मैदान में हम देखेंगे यहां से लेकर के और यहां तक का जितना भी, चाहे वो खाड़ी वाला प्रदेश आ जाए, कच्छ का रण वाला जो रीजन है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, चाहे हम चाहे इसको, तो कई जगह से अपनी किताबों में उनमें डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां से भी मिलेगा, किताबों में डिस्ट्रीब्यूशन आप सीधा नीचे से ऊपर की ओर पढ़ सकते हो, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ सकते हो। दूसरा है हमारा दमन से लेकर के, दूसरा जो हमारा मैदानी प्रदेश है दमन से लेकर के मांडवी नदी तक का जो क्षेत्र है गोवा में, यानी कि दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है वो हमारा आ जाता है इसके अंतर्गत। इस मैदानी प्रदेश में हमारा वो हम पढ़ते हैं कोंकण के मैदान के रूप में, कोंकण मैदान, ये क्षेत्र दमन से और गोवा तक। हम इससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी देखेंगे, वैसे जनरली जो है मैदान बहुत संकरे, में कोई महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं, उससे जुड़ी हुई जो बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। गोवा से लेकर के और मंगलोर तक का जो क्षेत्र है, मंगलोर कर्नाटक में, वो हम पढ़ते हैं कन्नड़ के मैदान के नाम से। कन्नड़ का मैदान और मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो चौथा मैदान है हमारा, इसे हम पढ़ते हैं मालाबार तक के रूप में। ये तो चार पश्चिमी जो मैदानी प्रदेश है, तटीय मैदानी प्रदेश है, उनको चार भागों में बांट करके पढ़ते हैं, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। मालाबार तट को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, जनरली अगर इसका विभाग करना हो तो हम इसको एक दक्षिणवर्ती जो दक्षिणी तटीय मैदानी प्रदेश है उसके नाम से भी हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम ये चार ही डिवीजन इसमें करते हैं। मुख्य विशेषता हमने देखी कि मैदान कहीं भी बहुत चौड़े नहीं, क्यों, एक तो यहाँ की नदियाँ जो है, अब इसका कारण भी हम समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं, अधिकांश जो बड़ी नदियाँ हैं वो पूर्व की या दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट से जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, उन नदियों की बात यह है कि नदियां बहुत छोटा रास्ता तय करती हैं। दूसरा यह है कि ढाल की वजह से इनके पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है, अगर उनमें कोई नदियां ऐसी भी हैं जिनमें अगर बहाव भी हो तो वो बहुत तेज होता है, जिसके कारण क्या है कि डिस्टेंस कम होने की वजह से अवसाद कम जमा हो पाते हैं, और अवसाद कम जमा होने की वजह से
ये नदियां अपने मैदानी क्षेत्र का या बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण नहीं कर पाती, और ये जो पूरा मैदानी प्रदेश है ये इतना विकसित नहीं हो पाया। दूसरा ये है कि यहाँ पर बहने वाली अधिकांश जो नदियां हैं वो सागर में ज्वार नदों का निर्माण भी करती है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कौन से तटीय प्रदेश की नदियां ज्वार नदों की एस्चुरी बनाती हैं, इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में क्या एस्चुरीज होती है, ज्वार नदों क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा पूर्ववर्ती और पश्चिमी और पश्चिमी तटवर्ती और पूर्ववर्ती तटीय मैदानी प्रदेश का हमने आज अध्ययन देखा। उम्मीद है शायद आप लोगों को समझ में भी आया होगा ये डिवाइडेशन हमने इसका किया है, इसका कारण क्या है कि विकसित नहीं हो पाया, ये भी हमने थोड़ा जानने समझने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में आज हम जो हमने पढ़ा है इसके आगे की कक्षा में हम पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश के बारे में, और फिर हम हमारे जो आइलैंड्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई सुझाव हो या कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कमेंट डालें। धन्यवाद।